कितनी सारी बातें होती है ना जिनका शायद हम जिक्र भी ना कर पाए, और आज के टाइम पे किसी के पास समय कहाँ। लेकिन आप फिक्र ना करें, क्योंकि हम लेकर आए हैं ऑल टाइम आपका फेवरेट शो, आओ बातें करें। बातें जो है आपके और मेरे दिल के बेहद करीब। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें करने के लिए जुड़िए हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में। तो कॉल करने के लिए नंबर डायल करें 01724784401। राम राम। ले आई तेरी याद इस दर पर मनोरंजन की झांकियां दिखाने और खुशियां बांटने। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं हूं आपका अपना कुमार और स्वागत है आपका हरियाणा बीट्स के स्पेशल लाइव प्रोग्राम आओ बातें करें में। बातें वो जो आपके दिल के और हमारे दिल के बेहद करीब, वो बातें जो आप नहीं कर पाते अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ। कहीं ना कहीं जो बातें रह जाती हैं दिल के किसी कोने में दबे, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि वो बातें आप हमसे शेयर करिए। और खासकर इस लॉकडाउन में जो बातें, क्योंकि एक टाइम नहीं मिल पाया किसी को भी, बाहर जब हम अपने दोस्तों के बीच बैठ के बातें करते थे, एक महफिल सजा के बातें करते थे, तो वो सारी बातें इस प्रोग्राम के माध्यम से कर सकते हैं। उसका जरिया है आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, तो उस पर फोन उठाइए और कॉल हमें लगा दीजिए और वो सारी बातें कर सकते हैं। उसके अलावा हर रोज हम एक ऐसा टॉपिक हम चूज करते हैं जो आपके भी, आपके लिए भी हो, आपसी लाइफ से जुड़ा हो, आपका जो देखते हो, आपकी समाज से जुड़ा हो, तो वो सारी चीजें आप हमसे कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमने चुना है कि जो लॉकडाउन है वो अब खुल गया है, तो अनलॉक हो गया है, पहला जो अनलॉक वो लग गया, तो अब इस लॉकडाउन में आपकी क्या प्लानिंग है? आपने लॉकडाउन खुलते ही कहाँ क्या प्लान बनाया कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे घूमना है, किस रिश्तेदार से मिलना है, कहीं पार्टी अटेंड करनी है या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन करना है? तो इस लॉकडाउन खुलने के बाद आपका प्लान क्या है, क्या करने की आप सोच रहे हैं? तो नंबर आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है उस पर कॉल मिलाइए और हमें कॉल कीजिए। तो इसी के साथ हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बातें करते हैं। तो हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर वैभव। हाँ वैभव सर। वैभव कहाँ से बात कर रहे हो? वैभव घरौंडा से। घरौंडा पानीपत वैभव बात कर रहे हैं, और आप पहले भी बात कर चुके हैं, देखो मैंने आपको पहचान लिया वैभव, है ना? हाँ जी सर, डिस्कनेक्ट हो गई सर कॉल। हाँ कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो वैभव एक बार बता दो फिर से हमारे दर्शकों को कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर क्लास 8 में पढ़ता हूँ। क्लास 8 में पढ़ते हो आप? अच्छा, तो ये बताओ कि अब लॉकडाउन खुल गया तो कहीं जाने का प्लान बनाया, कहीं घूमने का? नहीं सर, जाने का प्लान नहीं बनाया सर। जी जी बिल्कुल, क्योंकि अभी भी देखो कोरोना बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो सावधानी बरतनी है और घर पे ही रहना है। अच्छा और बताओ, और फैमिली में कौन कौन आपके? फैमिली में तो कोई नहीं जा रहा कहीं बाहर। अच्छा कौन कौन है वैसे फैमिली में? चाचा ताऊ सभी ज्वाइंट फैमिली है। अच्छी बात है वो। और पढ़ाई वगैरह कर रहे हो सही अच्छे से? हाँ जी सर, ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, बिल्कुल वैभव। और आप भी अपने परिवार का और अपनी टेस्ट भी अभी हमने टेस्ट करे अभी। जी जी जी, टेस्ट भी किया आपने, बड़ी अच्छी बात है, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए। ओके थैंक यू सो मच वैभव में जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। तो वैभव घरौंडा पानीपत से हमें बता रहे थे कि लॉकडाउन तो बेशक खुल गया हो, लेकिन वो अभी भी इस बारे में नहीं सोच रहे कि बाहर कहीं जाने में, क्योंकि अभी भी जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि अब गवर्नमेंट भी क्या करे, छूट तो देनी थी, क्या करे, क्योंकि जो रोज की जो जरूरतें होती हैं वो तो पूरी करनी होती है, काम भी करना ही पड़ता है, और इस तरह घर में बैठे बैठे भी काम नहीं चल सकता। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के अब जिस तरह से जो पहला अनलॉक जो हुआ है, अब उसमें काफ़ी रियायतें जो मिली हैं, जो रियायतें हैं अब जैसे जो जोन है उनको ख़त्म कर दिया गया है, अब सिर्फ जो कंटेनमेंट जोन है वो रहेगा और पाबंदियां वो सारी उसी के ऊपर रहेंगे। बाकी जो कर्फ्यू रहेगा वो नाइट में कर्फ्यू रहेगा, रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आप रात को बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वो कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। उसके बाद जितने भी लोगों की काफ़ी चीज़ें थी, जैसे काफ़ी डिमांड थी कि जो पूजा स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वो खोल दिए जाएँ, चाहे चर्च हो, गुरुद्वारे हो, मंदिर हो, तो सभी प्रकार के धार्मिक स्थल वो खोल दिए जाएँ ताकि लोग पूजा पाठ कर सकें। तो वो सारी चीज़ें को भी ध्यान में रख के अब 8 तारीख के बाद वो सारी चीज़ें खोल दी जाएंगी। तो आप भी अपनी जो रोज की जो दिनचर्या होती है उसको आप पहले की तरह करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हमें कोरोना से अपने आप को बचाना है। देखिए क्योंकि मानते हैं कि लोग, सरकार ने तो चलो लागू कर दिया है कि अब लॉकडाउन खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी इस तरह से आ गई थी, क्योंकि अब जिस तरह से लोगों का काम भी छूट रहा है और जो देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी वापस पटरी पे लेकर आना है, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें छूट देना बहुत जरूरी अब सरकार के लिए बन गया था।
तो इन चीज को ध्यान में रखकर जिस तरह से लॉकडाउन अब खोला गया है तो लोगों को भी, लेकिन जिस तरह से निर्देश दिए जा रहे हैं कि सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि सबसे जो कड़ा नियम बनाया गया कि आप घर से बाहर निकले तो आपके चेहरे के ऊपर मास्क होना बहुत ही अनिवार्य है, वरना आपको 500 रुपए तक का चार्ज आप पर किया जा सकता है। तो कुछ नियम जो बनाए गए हैं इस तरह के आने जाने के लेकर, या फिर जो मास्क का यूज करना, सैनिटाइजर का यूज करना, तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे लिए है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इस लॉकडाउन तो खुल गया है लेकिन इस जो महामारी से अभी भी हमें छुटकारा नहीं मिला है, क्योंकि अभी भी देश में कोरोना के मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक 1,90,000 का जो कोरोना का जो आंकड़ा है उसको पार कर चुका है। तो ये सारी सुविधाएं होने के, सारी जो सावधानियां बरतने के बाद भी लॉकडाउन इतना पालन किया, लोग इतने घर दिन भी घर पे रहे, तो वो सारी मेहनत अब कहीं ना कहीं बेकार न चली जाए। तो हमें भी कोशिश करना है कि जिस तरह की जो रियायतें हमें दी जाती हैं, जिस तरह की सुविधाएं हमें दी जाती हैं, तो उन काम अच्छे से पालन करें। बहुत से लोग ऐसे मजाक भी बनाते कि हम ये करते थे वो करेंगे ये करेंगे, तो वो सारी चीज़ों के लिए बहुत टाइम है। खैर हम उसके बारे में आगे बात फिर करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रजत। रजत, रजत कहाँ से बात कर रहे हो? जींद से। जींद से रजत, ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो रजत? मैं 8th में। 8th क्लास में पढ़ते हो, तो पढ़ाई कैसी चल रही है रजत आपकी? बहुत अच्छी। अच्छा, बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, तो ये बताओ पढ़ाई फिर फिलहाल ऑनलाइन ही हो रही होगी, स्कूल में तो नहीं जा पा रहे होगे ना? क्या पढ़ाई ऑनलाइन ही चल रही है फिर? हाँ। अच्छा ये बताओ तो फिर अपने दो दोस्त हैं, अपने टीचर हैं, उनको मिस कर रहे हो? हाँ सर। अच्छा मिस कर रहे हो। अच्छा और बताओ घर में कौन कौन है रजत? रजत हेलो। तो इसी के आई थिंक कॉल जो डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन रजत बता रहे थे कि वो 8th क्लास में पढ़ते हैं, जीन से बता रहे थे, और कहीं ना कहीं पढ़ाई अब ऑनलाइन ही कर पा रहे हैं। और ये तो पॉसिबिलिटी है कि अपने, क्योंकि कहते हैं कि चाहे वो दौर कैसा ही हो, स्कूल में जाते थे तो बच्चों का तो यही रहता था कि किसी तरह छुट्टी हो जाए, क्योंकि जो टीचर होते थे बड़ा ही डर लगता था स्कूल टाइम में, सभी को लगता था, हमें भी डर लगता था। तो यही होता था कि स्कूल टाइम में तो कि यार फलाने टीचर की नानी मर जाए, उसकी दादी मर जाए, ताकि हमें बच्चों की वो छुट्टियाँ हो जाए। तो इस तरह की बहाने, इस तरह की जो विशेष वो मांगते थे कि यार ऐसे कुछ ना कुछ छुट्टी हो जाए, उसके लिए बहाने भी बनाते थे कि आज पेट में दर्द है, आज ये नहीं हो रहा, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, तो काम से बचने के लिए इस तरह के बहाने भी बनाते थे। लेकिन अब बच्चे भी अब इतना लंबे टाइम से वो घर पे रह रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। खैर इस पर हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम निशांत है। निशांत कहाँ से बात कर रहे हो? मैं तलुंडी राणा से। कहाँ पे पढ़ता है ये? क्या कहाँ पे पड़ता है ये आपका गांव? ये हिसार के, हिसार में। अच्छा हिसार में। ओके ओके। तो निशांत कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 8th। अच्छा 8th क्लास में पढ़ते हो। तो ये बताओ निशांत कि अभी टाइम पास कैसे हो रहा है घर पे रह के, कैसे कर रहे हो? क्या सर? टाइम पास कैसे हो रहा है घर पे रह के, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा ये कह रहा हूँ कि टाइम पास कैसे हो रहा है निशांत घर पे, कैसे कर रहे हो अपना टाइम पास है? सर ज्यादातर बच्चे तो गेम ही खेलते हैं सर अभी भी। अच्छा तो आप क्या खेलते हो? सर मैं भी गेम ही खेलता हूँ। अच्छा क्या गेम खेलते हो आप? क्या सर? क्या कौन सा गेम खेलते हो आप? मैं फ्री फायर खेलता हूँ फोन में। फोन में पबजी और यही खेलते हो बस है? ये भी छोड़ दिया था, अभी ये भी बोरिंग लगता है। अच्छा अब तो यहाँ ये भी बोरिंग लगता है, तो थोड़ा सा घर में और भी खेल लिया करो, जैसे बैडमिंटन खेल सकते हो मम्मी पापा के साथ। मैं वैसे कबड्डी की प्रैक्टिस करता हूँ घर पे। अच्छा, घर पे कबड्डी की प्रैक्टिस करते हो, तो घर पे कौन है, पापा करवाते हैं प्रैक्टिस? नहीं मैं खुद करता हूँ। अच्छा खुद कैसे पे? तो मतलब जस्ट एक्सरसाइज व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे कोच एक्सरसाइज भेजते हैं, वो हम सुबह सुबह करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्सरसाइज तो फिर मतलब जैसे जोर वगैरह करते हो, जैसे दंड वगैरह लगा लिया, या फिर जो पीटी वगैरह करते हो? हाँ सर वही करते हैं सर, और योगा करते हैं और प्राणायाम करते हैं, अलोम विलोम करते हैं, सब कुछ करते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया निशांत, और जिस तरह से आप सेहत का ख्याल रख रहे हैं, तो आपसे जो और बहुत सारे बच्चे हैं वो भी। मैं नेशनल की तैयारी कर रहा हूँ सर। नेशनल की भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी।
बहुत बहुत अच्छी बात है निशांत, और हम चाहेंगे कि आप आने वाले दौर में ऐसे ही आप ऐसे ही मेहनत करते रहे और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच निशांत जी कॉल करने के लिए, थैंक यू। तो निशांत हिसार से बता रहे थे कि वो कबड्डी की जो प्रैक्टिस है उन्होंने ऐसे ग्रुप बना रखा है और घर पे रह के वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ऑनलाइन के जरिए देखो अब इंटरनेट का ज़माना है तो ऑनलाइन ही वो इस तरह से अपने दोस्तों के साथ मिलके वो सारी जो पीटी करना जैसे ग्राउंड में सारे मिलके करते थे, एक चगेरा बनाकर बीच में खड़ा एक बंदा रहता था उसके चारों तरफ खड़े होकर सभी पीटी किया करते थे इस तरह से का हमारे खासकर जो ग्राउंड में होते तो इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। अब उसी तरह का माहौल जो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं काफ़ी बच्चे वो ऑनलाइन नहीं कर पाते कि घर पर रहकर भी वो सारी चीज़ें ना छूटें, क्योंकि खिलाड़ी के लिए सबसे मेन चीज़ यही रहती है कि जब तक एक्सरसाइज करता रहता है जब तक प्रैक्टिस रहती है तब तक वो फॉर्म में रहता है। खैर इस पर हम आगे बात करेंगे, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? हेलो, हाँ क्या नाम है जी आपका? हेलो, हाँ पहले तो जो भी कॉलर हैं आपके अपने जो टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए और फिर बताइए क्या नाम है आपका जी, नाम आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। और हम अपने कॉलर्स को बताना चाहेंगे कि देखिए आप जब भी हमें कॉल करें तो कृपया करके टीवी से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, और लोगों के जहन में कई बार ये चीज़ आती है, क्वेश्चन भी हम हमसे पूछते हैं कि हम जब कॉल करते तो आप हमें टीवी पर नहीं सुनाई दे रहे होते उस वक्त, तो हम बताना चाहते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करते तो 1.5 से 2 मिनट का जो एक डिस्टेंस रहता है एक थोड़ा सा समय लगता है उसको कनेक्ट होने में आपके जो पहुंचने में, तो आप कोशिश कीजिए कि 1.5-2 मिनट बाद भी आप अपनी आवाज टीवी पर सुन सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? रमेश जींद। अच्छा रमेश जी जींद से बात कर रहे हैं सर, तो बताइए सर पहले तो कि कैसा माहौल है सर, कैसी सिचुएशन है जींद की सर? ऐसा जी आज तो मार्केट में काफी भीड़ भी है और लोग भी इकट्ठे हैं, लॉकडाउन का कोई विशेष नियम नहीं अपना रहे। अच्छा नियम नहीं अपना रहे, अच्छा तो जी बताइए कि लॉकडाउन अभी खुल गया है तो आपने इस तरह कुछ प्लान बनाया कहीं जाने का या फिर किसी से मिलने का, कुछ काम करने का? ऐसा ऐसा जी काफी दिन से काम अधूरे पड़े हैं, प्लान तो है जाने का, बच्चों को दाखिला को कोई मार्केट से चीज दुआ के लाना, अभ्यास आदि करना। जी जी बिल्कुल, काफी सारे काम हैं, लेकिन रमेश जी कोशिश कीजिएगा कि जो सोशल डिस्टेंस का पालन करना और जो सारे नियम बनाए बाहर निकलते हुए मास्क यूज करना, तो इन सारी चीज़ों का आप भी ख्याल रखिएगा। तो थैंक यू सो मच, हाँ जी थैंक यू सो मच रमेश जी शो में जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। तो रमेश जी बता रहे थे, थोड़ी सी शिकायत भी कर रहे थे कि जींद की जो मार्केट है वो पूरी तरह से खुल गई है और लोगों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा जुट रही है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट खोली है तो सभी को पता है कि मार्केट आपके फ़ायदे के लिए आपकी ज़रूरी सामान के लिए ही खोली गई है, लेकिन आप अगर उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो, आप भीड़ इकट्ठा करते हो, तो डेफिनेटली इसका नुकसान सभी को झेलना पड़ता है। तो इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम गुड़गांव से, खेड़ी की माजरा से। अच्छा गुड़गांव से बात कर रहे हैं आप, अंजलि जी क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करती, 11th क्लास में पढ़ाई करती हूँ। 9th क्लास में? हाँ। अच्छा अच्छा 11th। अच्छा 11th क्लास में आप पढ़ाई करते हैं, तो फिलहाल पढ़ाई फिर आप ऑनलाइन ही चल रही है अभी आपकी पढ़ाई? अंजलि जी आपकी जो पढ़ाई अभी फिलहाल ऑनलाइन ही चल रही है? हाँ जी। अच्छा अच्छा तो बताइए, तो अभी जैसे लॉकडाउन खुल गया तो कहीं बाहर घूमने जाने का या फिर किसी सहेली से मिलने का कुछ प्लान बनाया है ऐसा कुछ? नहीं जी अभी तो कुछ नहीं बनाया है। और गुड़गांव में तो बहुत ज्यादा केसेस आ रहे, तो वहाँ पर किस तरह का अभी प्रशासन ने कितना पाबंदियां वहाँ पर लगा रखी है? हेलो अंजलि बोल रही हूँ। तो गुड़गांव में किस तरह का माहौल है फिलहाल इस वक्त अभी? जी यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कोरोना पाए जा रहे हैं। हाँ बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो पाबंदियाँ बहुत सारी लगा रखी होंगी प्रशासन ने वहाँ पर आपके यहाँ पे। चलिए बिल्कुल अंजलि जी आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और थैंक यू सो मच अंजलि जी शो में कॉल करने के लिए, थैंक यू।
तो अंजलि 11th क्लास में पढ़ती हैं और गुड़गांव से बता रही थी, और बताना चाहेंगे कि गुड़गांव में हालात हरियाणा में अब कहीं सबसे ज़्यादा खराब है तो वो गुड़गांव में खराब है। वहाँ पर डेली के 100 से ज़्यादा केसेस वहाँ पर कोरोना के डेली के मामले सामने आ रहे हैं, और वो भी उसका कारण है कि दिल्ली की इससे जो क्योंकि सटा हुआ है। तो दिल्ली के जो सटे हुए हरियाणा के जो ज़िले हैं, खासकर वो चाहे गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, खैर हम इस पर आगे बात करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? कतरा जी। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? जाजवान से कर रहे हैं जी। जाजवान, ये भिवाणी में पड़ता ना? हाँ जी, भिवाणी। अच्छा, तो भिवाणी में का किस तरह का माहौल है वहाँ पर? एकदम प्रॉपर है जी, बढ़िया तरीके से खुला हुआ जी, कोई कोरोना कोई सिस्टम नहीं है जी। अच्छा जी, नहीं कल तो आई थिंक 20 के करीब मामले भिवाणी में एकदम से सामने आए कल, तो अभी थोड़ा सा कुछ सकता है या बढ़ाई प्रशासन ने वहाँ पर? हाँ जी, कल एकदम से जैसे भिवाणी में 20 के आसपास मामले सामने आए, तो उसके बाद कुछ कुछ पाबंदियां बढ़ाई प्रशासन ने वहाँ पर? ना जी, कुछ नहीं बढ़ाई जी। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं बढ़ाई। तो और बताइए जी सर, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं जी, करते कुछ नहीं, सूर फार्म कर रहे क्या जी, उसमें सारे सूर मर गए जी भूखे, और कुछ नहीं जी लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से सूर मर गए, सूर फार्म खोल रखा है। चलिए, हम तो देखो जी दुआई कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है, तो आप भी उसमें शामिल हो तो चाहेंगे कि कोई बात नहीं, आपकी जो जो एक दिनचर्या ये पटरी है जो कारोबार की, वो वापिस आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच जी शो में कॉल करने के लिए। तो हमारे दर्शक बता रहे थे कि भिवाणी में भी अब जिस तरह से कल 20 के आसपास मामले सामने आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर प्रशासन की तरफ से जो पाबंदियां वो नहीं बढ़ाई जा रही, तो बहुत ही गलत बात है। और जिस तरह से बता रहे थे कि उनको उनके बिजनेस में भी काफ़ी लॉस हुआ है, तो बड़ी ही दुख की बात है। और क्योंकि देखो इसी तरह के बहुत से ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल हैं जिन लोगों को उनकी नौकरियाँ भी छूटी हैं, लोगों के काम धंधे भी ठप हुए हैं, तो बहुत से लोगों के इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से आर्थिक लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। कई लोग जहाँ पर इस चीज़ के बहुत सारे फायदे भी आए हैं कि पर्यावरण अब बहुत शुद्ध हो चुका है, हवा जो है बहुत साफ़ हो चुकी है, लोगों की जो काफ़ी प्रॉब्लम थी हेल्थ को लेकर, वो पोल्यूशन की वजह से, चाहे वो आंखों में जलन रहना हो, सांस लेने में दिक्कत होनी हो, तो ये सारी चीज़ें होती थी वो सॉल्व हो चुके हैं। खैर, इस पर हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो, हेलो हेलो, कोई सुन रहा है जी? हेलो, आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, तो आप कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कीजिए, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही बैठे हैं और कोशिश की करते रहिए जैसे स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहा है। उसके अलावा बहुत से दर्शक अब इतने सारे, क्योंकि प्रोग्राम को इतना सारा प्यार मिल रहा है और दर्शक हमारे इतने इस प्रोग्राम को देखते हैं और इतना प्यार देते हैं, और साथ ही हम अपने विचार भी हमारे साथ साझा करते हैं, तो बहुत से ऐसे दर्शकों के विचार हम वो नहीं रह पाते, वो अपनी बातें नहीं कह पाते, तो उनको भी मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो दर्शक भी अपने यूट्यूब पर, खैर हम इसके बारे में विस्तार से फिर बाद में बताएंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो, हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? भवर सिंह। भवर सिंह जी, कहाँ से बात कर रहे हो आप? चांद से। कहाँ से? चांद से जी, चांद से बात कर रहे हैं, और बड़े मजाकिया मूड में भवर सिंह मुझे लग रहे हैं। अच्छा, तो सर कैसा माहौल है वहाँ का? सर सही, अच्छा है माहौल, तो माहौल तो अच्छा है, वहाँ तो कोरोना नहीं है ना? है, वहाँ तो कोरोना नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, वहाँ तो कोरोना नहीं है वहाँ पे तो। चलिए सर, बड़ी अच्छी बात है सर, फिर तो आपके तो मजे ही मजे हैं। हम तो यहाँ धरती पे तो देखो कितना कोरोना झेल रहे हैं, कितनी महामारी से फेस कर रहे हैं सर। यहाँ पे स्क्रीन पे तो नहीं बोलना किसी ने। अरे सर, आप थोड़ा सा वेट करिए सर, 1.5-2 मिनट का थोड़ा सा गैप होता है, जैसे ही आपकी कॉल डिस्कनेक्ट होगी तो आप अपनी आवाज ऐसे टीवी पर अब मजे से सुन सकते हैं। आ जाएगी अब थोड़ी बार में। हाँ सर, आ जाएगी। अच्छा, और बताइए कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं प्लस टू में हो गया सर। अच्छा, प्लस टू में हो गए आप, बड़ी अच्छी बात है। तो पढ़ाई ऑनलाइन ही कर रहे हैं अभी? हाँ सर, ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं अभी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है बावर जी, और आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच शो में कॉल करने के लिए। तो भंवर जी थोड़े मजाकिया मूड में थे, बता रहे थे कि वो चांद से कॉल कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ पर कोरोना नहीं है, थैंक गॉड, कहीं तो कोई तो ऐसी जगह बची कि जहाँ पर कोरोना नहीं है, वरना आप तो कोरोना का तो ऐसा भय कि दुनिया में तो शायद ऐसा कोई कोना नहीं बचा होगा जहाँ पर इसका असर ना गया हो। तो आप लोग भी थोड़ा सा देखिए, क्योंकि एक इतना सभी लोग इतना इससे अब उब चुके हैं, इतना बोर हो चुके हैं, तो कोशिश करते हैं कि सभी किसी न किसी तरह अपने आप को इंटरटेन करने की। खैर, हम इस पर बाद में बात करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
डॉक्टर अनिल बोल रहे हैं जी। डॉक्टर अनिल जी कहाँ से बात कर रहे हो आप? जींद से बात कर रहे हैं जी। अच्छा जींद से बात कर रहे हो, तो सर डॉक्टर साहब पहले तो बताइए आप किस चीज के डॉक्टर हैं सर? वेलेंट्री डॉक्टर हैं जी हम। अच्छा अच्छा, पशुओं के डॉक्टर हैं सर। पहले तो सर आप सच में सर, क्योंकि पशुओं का जिस तरह से अभी कोरोना की वजह सब लोगों में बच्चे हुए, लेकिन आप जानवरों के लिए भी इतना काम करें तो बड़ी अच्छी बात है सर। हाँ जी। अच्छा तो सर बताइए सर कि अभी लॉकडाउन जो खुल गया है तो कहीं कुछ प्लानिंग है सर आपकी भी ऐसे कुछ छुट्टी लेके कहीं पर जाए? तो ये प्लानिंग तो यही है जी कि अब पशुओं का काम थोड़ा ज्यादा था, अब मौसम खराब है इसलिए जाना पड़ता था, तो अब थोड़ा बहुत खुल गया तो फर्क रहेगा जी। हाँ, अब आप जैसे कहीं से भी कुछ फोन आता है, दिक्कत होती है, तो आप वहाँ पर आप आसानी से जा सकते हैं। हाँ जी। चलिए बड़ी अच्छी बात है सर। और जींद का सर कैसा माहौल है सर वहाँ का? बढ़िया जी, एकदम बिल्कुल सही प्रोग्राम जी, कोई कोरोना का मरीज नहीं है गांव में या शहर में भी। जी जी, बड़ी अच्छी बात है सर, और आप ऐसे ही सर लोगों की सेवा करते रहिए। थैंक यू सो मच सर डॉक्टर अनिल जी इस शो में कॉल करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू जी। तो डॉक्टर अनिल जी बता रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें बड़ी समस्या होती थी कि लोगों के फ़ोन आते रहते थे कि उनके जानवर जैसे बीमार है, कोई तकलीफ होती तो वो अपनी सेवा नहीं दे पा रहे थे, उनको बड़ी अड़चने होती थी, क्योंकि हर जगह पर जिस तरह से पास का यूज़ करना और पुलिस का रोकना, तो वो सारी चीज़ों में बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से लॉकडाउन खुल गया है, तो अब वो भी अपने जो काम है, अपनी जो सेवा है पशुओं को बचाने के लिए, देखिए अगर जितना इंसान जरूरी है पशु भी उतने ही जरूरी हैं, और लोगों के लिए तो देखो आज के टाइम पे जो दूध घी हमें वो पशु देते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और जो भी जानवर हैं, खैर हम इस पर बाद में बात करेंगे, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस है। प्रिंस कहाँ से बात कर रहे हो? भिवानी खेड़ा भिवानी। भिवानी खेड़ा भिवानी से आप बात कर रहे हो, तो बताइए सर क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? टेंथ में सर। टेंथ में पढ़ते हो, तो पढ़ाई अभी ऑनलाइन ही हो रही है क्या सर? पढ़ाई अभी फिर ऑनलाइन ही हो रही है? यस सर। अच्छा तो ये बताओ भी कि अभी ऑनलाइन पढ़ने में मजा आ रहा है या फिर वो पहले वाला अच्छा था कि स्कूल में जाना, दोस्तों से मिलना, टीचर से पढ़ाई कर आमने सामने बैठ कर पढ़ाई करना? यस सर। कौन सा अच्छा, ये वाला ये ऑनलाइन वाली स्टडी अच्छी है? सर ऑनलाइन होती है। तो ऑनलाइन, वैसे ऑनलाइन का ये भी तो फायदा ना कि टीचर से आप मतलब पिटते विटते नहीं है, तो स्कूल में तो पिटाई विटाई भी होने का डर रहता था। तो सर अब डर है ही नहीं। आप तो कोई डर भय है नहीं किसी तरह से का, अच्छी बात है। और फिर आप और क्या करते हैं, कोई खेल भी खेलते हैं इस तरह से कुछ, कैसे टाइम पास करते हैं आप? सर मैं पहले जैसे बॉक्सिंग करता था पहले तो। अच्छा अच्छा, बॉक्सिंग करते थे जी। तो फिलहाल फिर अब प्रैक्टिस छुट्टी हुई है फिर आपकी है क्या सर? तो प्रैक्टिस अभी छुट्टी हुई है फिर आपकी? एक मिनट सर। ओके आई थिंक जी क्या सर? तो प्रैक्टिस अभी छुट्टी हुई है आपकी या कर रहे हो लगातार प्रैक्टिस? हेलो हेलो, आवाज आ रही है प्रिंस मेरी? आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। तो प्रिंस जी बता रहे थे कि वो बॉक्सिंग करते थे, बट आई थिंक अब नहीं हो पा रही है, तो क्योंकि खेल भी अब बहुत सारे जो खेल हैं वो नहीं खेले जा रहे थे, क्योंकि एक डर रहता था लोगों के, तो जहन में ये चीज़ें रहती थी। बट हम आगे बात करेंगे इसके साथ, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? जय बात कर रहा हूँ। जय बात कर रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो जय? जुलाना से। अच्छा जुलाना से जय बात कर रहे हो, तो बताइए कि कैसा माहौल है जुलाना का, पहले तो ये बताइए। सॉरी आप क्लीनरी से क्या कर रहे हैं? कैसा माहौल है जय वहाँ का? माहौल अभी तो सर ठीक हो गया यार। अच्छा तो बताइए कि लग रहा है तो। चलिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तो जय ये बताइए कि अब जैसे लॉकडाउन है वो खुल गया, तो आपने इस तरह कोई प्लान बनाया है कहीं पर जाने का, कहीं अब दोस्तों से मिलने का या फिर कुछ पार्टी वार्टी मतलब कुछ भी करने का ऐसा कुछ? एक ट्रिप का प्लान बनाए हैं दोस्तों के साथ। अच्छा अच्छा, ट्रिप का प्लान बनाए। चलिए कहाँ जाने की सोच रहे हैं आप अभी? हम ऋषिकेश जाने की सोच रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, तो चलिए इतने लंबे टाइम आप दोस्तों से मिलेंगे और कहीं घूमने जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच जय शो में कॉल करने के लिए। तो बता रहे थे जय, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से अब हो गया था कि दोस्तों से नहीं मिले थे और कहीं घूमने भी नहीं गए थे, तो वो कह रहे हैं कि वो घूमने जाएंगे, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि आप भी इस तरह कोई भी प्लान बना रहे हो कहीं जाने का,
तो सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर और जो 2 गज की जो दूरी जो बताया हमने सोशल डिस्टेंस, तो उस चीज़ का पालन आप जरूर करिएगा। क्योंकि देखिए अभी सभी का चाह है, क्योंकि वो इतने लंबे टाइम से हम घर पे कैद हैं, तो सभी अभी सोच रहे हैं कि ऐसे रिश्तेदार के पास जाएं या फिर कहीं घूमने जाएं, मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं। तो इस तरह से बहुत से हमारे जो दर्शक हैं, बहुत से लोगों को प्लान बना रहे हैं ऐसे घूमने जाने का, लेकिन आप जाइएगा तो सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि सावधानी में ही फिलहाल तो बचाव है, क्योंकि जो कोरोना की जो वैक्सीन है वो तो अभी तक नहीं बनी है, तो आपको यही इन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। और जो कंटेनमेंट जोन है उनको तो वो जो पाबंदियां वो तो सिम रहने वाली है, उनको तो अभी भी लॉकडाउन का पालन करना ही पड़ेगा, तो सारी सावधानियां उनको भी रखनी पड़ेगी। तो इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप शिवम? सेवंथ। सेवंथ क्लास में पढ़ते हो आप? अच्छा, तो बताओ कहाँ से बात कर रहे हो आप? सोनीपत। सोनीपत से बात कर रहे हो, तो ये बताओ तो फिर पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी शिवम? अच्छी। पढ़ाई अच्छी चल रही है, तो घर वाले डांटते तो नहीं है ना पढ़ाई वढ़ाई को लेके? नहीं, थोड़ा 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 डांटते हैं। अच्छा, तो स्कूल की याद आती है अब? ऐसी हो, स्कूल की याद आती है? हाँ। अच्छा, तो कौन सा टीचर सबसे ज्यादा याद आता है या मैडम आती है याद? दोस्त है? दोस्त। अच्छा, तो टीचर भी याद है? अच्छा, सारे टीचर्स आपको याद आते हैं, अपने दोस्तों को भी याद करते हो? है? दोस्तों को भी याद करते हो? ऑनलाइन काम। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन ही हो रही है, चलिए बड़ी अच्छी बात है शिवम, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच शो में कॉल करने के लिए, थैंक यू। तो सोनीपत से शिवम बता रहे थे कि पढ़ाई फिलहाल ऑनलाइन ही हो रही है, और सभी जैसे बच्चे याद करते हैं अपने टीचर्स को, सभी मिस कर रहे हैं क्योंकि सभी की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, तो डेफिनेटली वो जो सारा एक जो माहौल होता था उसको सभी मिस कर रहे हैं, कि स्कूल में जिस तरह से आधी छुट्टी होना, तो रिसेस में जिस तरह से अपने दोस्तों के साथ कुछ खेल खेलना, या फिर जो पीटी की जो घंटी होती है तो उसमें कोई भी खेल खेलना, और ऐसे घूमना, दोस्तों से बातें करना, लड़कियों का भी सहेलियों के साथ बातें करना, वो सारी हर कोई मिस कर रहा है। तो इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम भावना है। भावना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो भावना? हाँ जी सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो भावना आप? हम सर टेंथ में पढ़ते हैं। अच्छा, टेंथ में पढ़ते हो, कहाँ से बात कर रहे हो भावना आप? पानीपत। अच्छा, तो बताइए भावना, पढ़ाई कैसी चल रही है फिलहाल आपकी? सर, पढ़ाई कैसी चल रही है भावना आपकी? सर, बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ने में मजा आ रहा है? ऑनलाइन पढ़ने में मजा आ रहा है? अच्छा अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है, आ रहा है। और सहेलियों को ऐसे मिलना जुलना हो जाता है या फिर नहीं हो पाता? अच्छा अच्छा, चलिए ऑनलाइन ही पढ़ाई हो पा रही है, बड़ी अच्छी बात है कि पढ़ाई कम से कम वो नहीं रुकनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच भावना शो में कॉल करने के लिए, थैंक यू। तो पानीपत से भावना बता रही थी कि वो 10th क्लास में पढ़ती है और जो पढ़ाई है वो भी अभी भी ऑनलाइन ही हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी जो स्कूल इंस्टीट्यूट सभी के सभी गवर्नमेंट ने बंद कर रखे हैं, और उनके ऊपर फैसला जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से छोड़ दिया है, तो एरिया के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट आई थिंक आने वाले टाइम में इस पर भी कुछ अपना कोई डिसीजन बना सकती है, लेकिन फिलहाल सभी को निर्देश दिए गए हैं कि आप ऑनलाइन ही पढ़ाई करती रहिए। तो ये जरूरी भी है, क्योंकि देखो केसेज अब डेली के बढ़ते जा रहे हैं और 9000 के आसपास केसेज पहुँच चुके हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम आपका? गोलू रेडू। हैं? गोलू। गोलू नाम है? यस सर। कहाँ से बात कर रहे हो गोलू? अहिरका से। कहाँ पढ़ता है ये? सोनीपत के पास। अच्छा, सोनीपत के पास पढ़ता है, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप गोलू? सेवंथ। अच्छा, सेवंथ में पढ़ते हो। अच्छा, तो पहले तो ये बताओ गोलू, ये नाम आपका किसने रखा, मम्मी ने या पापा ने?
मम्मी ने। अच्छा मम्मी ने, मम्मी ने क्या मतलब कैसे सोचा कि गोलू राम रखना चाहिए? चलिए आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, इसी के साथ अब वक्त भी हो गया है हमारे दर्शकों से विदा लेने का। लेकिन हम बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक जरूरी सूचना आपको देना चाहेंगे, कल से ये प्रोग्राम अब आप ठीक 12 बजे देख पाएंगे, क्योंकि अब जो प्रोग्राम है उसका थोड़ा सा टाइमिंग हम चेंज कर रहे हैं। लेकिन आप अब जरूर हमारे दर्शक 1 बजे का वेट करते थे, लेकिन अब आपको ज़्यादा हम वेट नहीं कराएंगे, आपसे ठीक हम 12 बजे आपसे कल फिर से मुलाकात होगी। तो टाइम आप अभी से जो आपने 1 बजे का जो नोट कर रखा था उसको काट दीजिए और 12 बजे का जो टाइम है वो नोट कर लीजिए। तो कल ठीक 12 बजे आपसे मुलाकात होगी फिर से, तो आप तैयार रहिएगा, आपके जो फ़ोन है उसके साथ बैठ जाइएगा और टीवी के ऑन करके कई और चैनल बिल्कुल भी मत बदलिएगा। तो मिलते हैं जी कल ठीक फिर से 12 बजे आपको, तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा वीट्स। राम राम। कितनी सारी बातें होती है ना जिनका शायद हम जिक्र भी ना कर पाए, और आज के टाइम पे किसी के पास समय कहाँ। लेकिन आप फिक्र ना करें, क्योंकि हम लेकर आए हैं ऑल टाइम आपका फेवरेट शो, आओ बातें करें। बातें जो है आपके और मेरे दिल के बेहद करीब। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें करने के लिए जुड़िए हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में। तो कॉल करने के लिए नंबर डायल करें 01724784401। राम राम, राम।